एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। सिवान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने चोरी के 14 मोटरसाइकिल को बरामद किया है। इसके साथ ही चोरी की बाइक के साथ 4 युवक को गिरफ्तार किया गया है। गुप्त सूचना के आधार पर असाओं का थाना की पुलिस ने कार्रवाई की है। चोरी की बाइक बेचने के दौरान 4 युवक को गिरफ्तार किया गया है। करकटनुमा मकान में बाइकों को छुपा कर रखी गई थी, जिसके पुलिस को जब्त किया है। सिवान SP अमितेश कुमार ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी है। SP ने बताया कि असाओं थाना की पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि असाओं पोखरा प्राथमिक विद्यालय के पास 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 युवक चोरी का मोटरसाइकिल खरीद बिक्री करने के लिए पहुंचे हुए हैं। इसको लेकर असाओं थाना की टीम दल बल के साथ मौके पर पहुंची और पुलिस की गाड़ी को देखकर 4 युवक भागने लगे, जिसके बाद पुलिस ने 4 युवक को खदेड़ कर पकड़ लिया। इसके बाद जब पुलिस टीम ने सख्ती से पूछताछ की तो पता चला कि इनके पास खड़ी दोनों बाइक चोरी की है। इसके अलावा चोरी की और भी कई गाड़ियां रघुनाथपुर के जुड़वा गांव में रखने वाले राजन कुमार के घर पर मौजूद है। पुलिस टीम ने इन्हें निशानदेही पर राजन कुमार के घर पर छापेमारी की तो 14 बाइक को बरामद किया गया है। वहीं आरोपित राजन कुमार घर से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम छापेमारी कर रही है। गिरफ्तार युवक की पहचान असाओं के देहुरा निवासी अशोक यादव के पुत्र प्रिंस यादव, सुरेश राम के पुत्र रामबच्चन राम, पचरुखी के मंद्रापाली निवासी अनवर हुसैन के पुत्र आबिद अनवर हुसैन और रघुनाथपुर के जुड़वा गांव निवासी रघुनाथ राम का पुत्र विनोद कुमार राम के रूप में हुई है। पकड़े गए सभी अपराधी हैं। पुलिस उपाधीक्षक महाराजगंज SDPO महाराजगंज के द्वारा भी ये सूचना मिली थी और वहाँ पे अभी वो लोग CCTV कैमरा देख रहे हैं, अपराधी किस तरफ से आए, किस तरफ गए, इन चीज़ों को देखा जा रहा है। संभवतः पचोखी की तरफ जो है अपराधी वहाँ से लूट करके भागे हैं। और इस क्रम में हम लोग पहले भी ये कर रहे थे, अभी भी, और हम लोगों ने कहा है कि जो भी इस तरह के लूट छिनतई के जो अपराधकर्मी पूर्व से है और जेल से निकले हुए हैं हाल फिलहाल में, उन सभी का हम लोग सत्यापन कर रहे हैं। ऐसे भी चुनाव के मद्देनज़र हम लोग पुराने वांछित अपराधी एवं पुराने जो कुख्यात अपराधी चार्जशीटेड अपराधियों का हम लोग चेक कर रहे हैं। सर, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बुलाई गई है ये एक विशेष उपलब्धि जो असाओं थाना अंतर्गत सिवान पुलिस को मिली है उसके संबंध में बुलाई गई है। तो विगत 24 घंटों के अंदर एक मोटरसाइकिल चोरी गिरोह का पर्दाफाश हुआ है जो असाओं थाना क्षेत्र एवं अन्य थाना क्षेत्र के लोगों द्वारा संचालित की जा रही थी। शुरू ऐसे हुआ कि गुप्त सूचना मिली असाओं थाना अध्यक्ष को, जिसमें कि ये पता चला कि कुछ अवैध मोटरसाइकिल के कारोबारी कुछ मोटरसाइकिल्स की खरीद फरोख्त कर रहे थे। उसी सूचना पे जो है छापामारी की गई, पता किया गया तो वहाँ 4 व्यक्ति 2 मोटरसाइकिल्स के साथ मौजूद थे और कागज़ वगैरह की मांग करने पर उनके द्वारा असमर्थता व्यक्त की गई और कोई कागज़ उपलब्ध नहीं कराया गया। तत्पश्चात ही पता चला कि उन 2 मोटरसाइकिल में से एक मोटरसाइकिल वो है जो गुठनी थाना कांड संख्या 271 के अंतर्गत चोरी की मोटरसाइकिल थी। ये बरामदगी की पुष्टि होने के बाद और इसमें थोड़ी गहन जांच की गई, उन लोगों से पूछताछ की गई तो उन लोगों के द्वारा अन्य 12 और मोटरसाइकिल्स जो कि चोरी की गई हैं अन्य कांडों में, वो बरामद हुई एक और अपराधी के घर से। तो ये जो गिरफ्तार हुए हैं 4 व्यक्ति, इनका नाम है प्रिंस यादव उर्फ फेकू, रामबच्चन राम, अरविंद अनवर हुसैन, विनोद कुमार राम। और जिस व्यक्ति के घर से 12 और अन्य मोटरसाइकिल्स बरामद हुई उनका नाम राजन कुमार राम है। ये अभी फरार चल रहे हैं, इनकी गिरफ्तारी अभी नहीं हो पाई है जो कि कर ली जाएगी। तो ये इस तरह से एक ये महत्वपूर्ण उपलब्धि है जिसमें 4 इस तरह के अनैतिक व्यापार करने वाले लोग और 14 मोटरसाइकिल्स, कुल 14 मोटरसाइकिल्स जो कि चोरी की हैं वो बरामद हुई हैं। कहाँ से बड़ा गिरोह का पर्दाफाश हुआ और कहीं ना कहीं चोरी की घटना जो है बाइक की, उस पर सर कुछ बहुत विराम लगेगा? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये एक शुरुआत है क्योंकि इसमें और भी लोग इन्वॉल्व होंगे, और भी क्षेत्रों से गाड़ियाँ चोरी की गई होंगी, लूटी गई होंगी, जो कि इस तरह के इस पूरे चैनल के थ्रू
उसकी जो है उसको विक्रय किया जाता होगा और अन्य जगहों पर बेचा जाता होगा, जिसमें काफ़ी पैसे का भी ट्रांजैक्शन होता होगा। तो इस केस को हम लोग और गंभीरता से लेते हुए थोड़ा और इसमें और भी जो लोग इन्वॉल्व हैं और भी जो अगर बरामदगियाँ हो सकती हैं इस कांड के अनुसंधान के अंतर्गत, उसका भी हम लोग प्रयास करें। कहाँ के रहने वाले लोग हैं और इन लोगों का क्या पहले से कोई आपराधिक इतिहास है? देखिए, आपराधिक इतिहास क्या अभी हम लोग पता कर रहे हैं। जैसा मैंने एक बताया कि एक तो मोटरसाइकिल जो चोरी का बरामद हुआ वो गुठनी थाना में वर्ष 2021 में चोरी हुआ था। तो आपराधिक इतिहास ज़रूर होगा, लेकिन हम लोग अभी स्पष्ट तौर पे नहीं बता पा रहे, वो पता करेंगे। और दूसरी की ये बरामदगी असाव के पोखरा प्राथमिक विद्यालय, इस जगह से जो है चारों व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई। तो सर सिर्फ ये इसी जिले में काम करते थे या फिर और भी जिलों से इनका सर? जैसे देखिए, ये बिल्कुल दूसरे ज़िले से कनेक्शन हो सकता है, इसको हम लोग रूल आउट नहीं कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा चांस है कि अन्य ज़िलों से भी ये लोग मोटरसाइकिल लेते होंगे, उसके बदले पैसे भी देते होंगे, इस तरह की चीज़ें। इन सभी चीज़ पे पुलिस सर, जो गाड़ियां बरामद हुई है क्या उसका लिस्ट बना के उनके मालिक को सौंपने का काम किया जाएगा क्या? सौंपने का हम लोग इसके बाद विचार करेंगे। पहले हम लोग देख लें कि किन किन कांडों में या चोरी के, लूट के, किस तरह के कांडों में कहाँ पे इनकी जो है ये लूटी गई हैं या चोरी की गई हैं, ये सब पता करेंगे। और बिल्कुल जो वास्तविक धारक है उनका पहला अधिकार बनता है, तो थ्रू कोर्ट, लेकिन वो कार्रवाई होगी न्यायालय के आदेशानुसार ही उसको जो है वास्तविक धारक को दिया जा सकता है। इसका सर मास्टरमाइंड कौन है सर? उस तक हम लोग पहुंच नहीं पाए हैं। जैसा मैंने कहा कि ये सिर्फ एक शुरुआत है, हम पूरे इस तंत्र को हम लोग पता करना चाह रहे हैं और इसका भी उद्भेदन करना चाह रहे हैं। सर सिवा